एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या हैं, उसको फाइल करने का पूरा प्रोसेस और एस्टिमेटेड टाइमलाइन क्या है, और अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट का मतलब होता है वो डिवोर्स जो हस्बैंड और वाइफ आपसी सहमति से कोर्ट में एक दूसरे से अलग होने के लिए ज्वाइंटली फाइल करते हैं, और कंटेस्टेड डिवोर्स से हटकर जो कि क्रुएलिटी, एडल्ट्री, डिजर्शन जैसे ग्राउंड्स पे फाइल होता है, म्यूचुअल कंसेंट के डिवोर्स पे एक दूसरे पे कोई भी एलिगेशंस नहीं लगती हैं, बल्कि अलग होने का रीजन इसमें टेम्परामेंटल डिफरेंसेस यानी कि सोच और व्यवहार का ना मिलना बताया जाता है। इस डिवोर्स में हस्बैंड और वाइफ मिलकर सिर्फ इतना ही डिसाइड नहीं करते कि उनको डिवोर्स लेकर अलग होना है, बल्कि इसकी और भी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जो कि वो साथ मिलकर डिसाइड करते हैं, जैसे कि परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी का मतलब वो अमाउंट जो कि हस्बैंड अपनी वाइफ को डिवोर्स के टाइम एज अ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट पे करता है। इसमें आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेंटेनेंस भी कवर्ड होती है। दूसरा है मेंटेनेंस, यानी कि क्या हस्बैंड इस डिवोर्स के बाद अपनी वाइफ को या बच्चे को कोई अमाउंट मेंटेनेंस के तौर पर देगा, या फिर वो परमानेंट एलिमनी में ही एडजस्ट होगा। तीसरा है कस्टडी और विजिटेशन राइट्स। अगर शादी से हस्बैंड एंड वाइफ के कोई बच्चे हैं तो वो बच्चे किसके पास रहेंगे, अगर एक पेरेंट के पास रहेंगे तो क्या दूसरे पेरेंट का कोई विजिटेशन राइट रहेगा या नहीं, ये डिसीजन लेना भी हस्बैंड एंड वाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है। अब हम आ जाते हैं रिटर्न ऑफ डाउरी आर्टिकल्स और स्त्री धन पर, यानी कि क्या वाइफ अपने डाउरी आर्टिकल्स और स्त्री धन ऑलरेडी वापस ले जा चुकी है या फिर उसका एक्सचेंज होना अभी बाकी है। इसके बाद हम आते हैं राइट्स इन जॉइंट प्रॉपर्टी पर, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो क्या अब उन दोनों में से किसी का उस पर कोई राइट रहेगा या नहीं। आखिर में हम आ जाते हैं पेंडिंग केसेस और कंप्लेंट्स के ऊपर, यानी कि अगर हस्बैंड और वाइफ ने एक दूसरे के अगेंस्ट कोई केसेस या कंप्लेंट्स फाइल किए हुए हैं तो उन्हें कैसे और कब विड्रॉ किया जाएगा। यहाँ ये जानना जरूरी है कि इन सब चीजों पर जो भी डिसीजन लेना है वो पार्टीज को खुद ही लेना है, और कोर्ट इन सब चीजों में किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेने के लिए इन तीन कंडीशंस का पूरा होना बहुत जरूरी है। पहला, There should be an irretrievable breakdown of marriage, यानी कि parties का साथ में रहना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। Second, that there should be free consent of parties to divorce each other, यानी कि किसी भी party पे किसी भी तरीके का कोई भी force, fraud या coercion नहीं किया जा रहा है। तीसरा, there should be at least 1 year of separation between the parties, मतलब कि दोनों husband और wife को अलग रहते हुए कम से कम एक साल तो हो ही जाना चाहिए, तभी वो म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। 1 year ऑफ सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं। सेपरेशन कैन ऑल्सो बी अंडर द सेम रूफ, जहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्जुगल रिलेशनशिप नहीं है। अब हम बात करते हैं डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट के प्रोसेस की। डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट एक फैमिली लॉ का मैटर है जो कि पर्सनल लॉ के अंडर लाया करता है, और सारे रिलीजन्स के पर्सनल लॉज अलग अलग होते हैं। आज हम बात करेंगे डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट अंडर हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1995 में लाया करता है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट में पार्टीज खुद ही अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करती हैं, तो इसी के लिए बेहतर ये है कि आप अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को राइटिंग में लिख लें, ताकि किसी भी पार्टी को बाद में ऐसा ना लगे कि उसके साथ किसी भी तरीके के कोई भी चीटिंग या फ्रॉड हुआ है। इसीलिए हमारी सलाह ये रहती है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को लिखित रूप से MOU या सेटलमेंट डीड के फॉर्म में बना लिया जाए। इस MOU को ड्राफ्ट करने के लिए आप अपने एडवोकेट की सहायता ले सकते हैं, और आपकी सहायता के लिए मैं आपके साथ एक MOU का ड्राफ्ट इस स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, MOU या सेटलमेंट डीड में सबसे पहले हम पार्टीज की पर्सनल डिटेल्स जैसे कि उनका नाम, उनका एड्रेस और उनकी एज डालते हैं। उसके बाद मैरिज की डिटेल्स, उनके डिस्प्यूट का ब्रीफ बैकग्राउंड और उनका प्रेजेंट स्टेटस डालते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये आना जरूरी है that the parties have mutually agreed to get their marriage dissolved. उसके बाद यहाँ ये लिखना जरूरी है कि ये डिवोर्स कब और किस jurisdiction में फाइल होगा। उसके बाद हम फाइनल सेटलमेंट अमाउंट लिखते हैं जिसमें पार्टीज अपना समझौता कर रही हैं, और वो फाइनल सेटलमेंट अमाउंट कब, कैसे और कहाँ दिया जाएगा। यूजुअली सेटलमेंट अमाउंट वाइफ को डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू दो इंस्टॉलमेंट्स में दिया जाता है। पहली इंस्टॉलमेंट
पिटिशन साइन करते वक्त या फिर फर्स्ट मोशन के वक्त दी जाती है और दूसरी इंस्टॉलमेंट सेकेंड मोशन के वक्त दी जाती है। इस अमाउंट को डिसाइड करते वक्त ये ध्यान में रखें दैट दिस इज द फाइनल अमाउंट अगेंस्ट ऑल द क्लेम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वाइफ एंड इट इंक्लूड्स मेंटेनेंस दैट इज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर परमानेंट एलिमनी एंड ऑल अदर मॉनेटरी क्लेम्स ऑफ द वाइफ। तो इसे एक्सेप्ट करने के बाद ऐसा कोई और अमाउंट नहीं होता जो वाइफ अपने हस्बैंड से क्लेम कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, स्त्री धन और पर्सनल बिलोंगिंग्स के बारे में। इस पॉइंट में ये क्लैरिफाई करना जरूरी है कि क्या वाइफ ऑलरेडी अपने डाउरी आर्टिकल्स, पर्सनल बिलोंगिंग्स और स्त्री धन ले जा चुकी है या फिर उसे एक्सचेंज करना बाकी है। अगर उसे एक्सचेंज करना बाकी है तो MOU के साथ उन सारे आर्टिकल्स की लिस्ट लगाना जरूरी है और ये लिखना जरूरी है कि वाइफ उसे कब और कहाँ से ले जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर हस्बैंड और वाइफ की कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उस प्रॉपर्टी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा या फिर उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे उन्हें वापस मिलेगा। ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि हस्बैंड और वाइफ अपनी जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी को सेल ऑफ कर देते हैं और उससे जो भी राशि आती है उसे अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपस में बांट लेते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि दोनों में से एक पार्टी उस प्रॉपर्टी को खरीद लेती है और दूसरी पार्टी को उसके शेयर का पैसा दे देती है। ये बात हमने इस वीडियो की शुरुआत में भी बताई थी कि ये डिसीजंस पार्टी का खुद का होता है और वो उसे अपनी आपसी रजामंदी से ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कस्टडी ऑफ द चाइल्ड के बारे में। अगर शादी से कोई बच्चे हैं तो उन बच्चों की या उस बच्चे की कस्टडी किसके पास रहेगी ये डिसाइड करना भी जरूरी है। और अगर एक पेरेंट के पास बच्चे की कस्टडी है तो क्या दूसरे पेरेंट को उससे मिलने के लिए विजिटेशन राइट्स दिए जा रहे हैं या नहीं ये मेंशन करना भी ज़रूरी है। और अगर विजिटेशन राइट्स दिए जा रहे हैं तो उसकी क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी, क्या टाइमिंग्स रहेंगे या फिर कौन से दिन बच्चे को अपने पेरेंट्स से मिलने दिया जाएगा ये भी लिखना ज़रूरी है। साथ ही में पार्टीज ये भी डिसाइड करती हैं कि क्या बच्चों के लिए कुछ अलग से मेंटेनेंस होगी या फिर बच्चों की मेंटेनेंस का कॉम्पोनेंट फाइनल सेटलमेंट अमाउंट के अंदर ही एडजस्ट होगा। आखिर में जितने भी पेंडिंग केसेस होते हैं उनके बारे में मेंशन किया जाता है, उनकी सारी डिटेल्स और उन्हें कैसे और कब विड्रॉ किया जाएगा ये भी मेंशन किया जाता है। याद रखें कि म्यूचुअल कंसेंट से आगे प्रोसीड विद करने से पहले जो पुराने केसेस चल रहे हैं उनको विड्रॉ करने की प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए, तभी म्यूचुअल कंसेंट का डिवोर्स स्मूथली आगे प्रोसेस हो सकता है। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर दोनों में से कोई एक पार्टी किसी भी टर्म्स या कंडीशंस को फॉलो नहीं करती है या फिर उन टर्म्स एंड कंडीशंस से पीछे हटती है तो दूसरी पार्टी उसकी अगेंस्ट कोई मॉनेटरी कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकती है। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को फाइनल करने के बाद पार्टीज अपने विटनेसेस के सामने इस MOU को साइन कर देती हैं और फिर ये पिटिशन का पार्ट बन जाता है। इस सेटलमेंट एग्रीमेंट या फिर MOU का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और इससे रिलेटेड किसी भी सहायता के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। MOU साइन होने के बाद दोनों पार्टीज जॉइंटली अंडर सेक्शन 13B ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर देते हैं। ये म्यूचुअल कंसेंट की पिटीशन फैमिली कोर्ट में फाइल होती है और उस कोर्ट के जुरिसडिक्शन में फाइल होती है जहां या तो पार्टीज की शादी हुई हो या फिर उन दोनों में से किसी का परमानेंट रेजिडेंस हो या फिर जहां वो दोनों लास्टली कोहैबिटेड एज हस्बैंड एंड वाइफ हो। जॉइंट पिटीशन के अंदर मैरिज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, डिस्प्यूट से रिलेटेड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और MOU के अंदर लिखी गई टर्म्स एंड कंडीशंस को मेंशन किया जाएगा। पिटीशन फाइल करते समय पिटीशन के साथ साथ ऊपर बनाए गए एग्रीमेंट, प्रूफ ऑफ मैरिज, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स के साथ साथ एडवोकेट को अपॉइंट करने की एप्लीकेशन भी लगाई जाती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये पिटीशन कंबाइंड रूप से फाइल होती है जहां पर आप एक पिटीशन से ही फर्स्ट और सेकंड मोशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये पिटीशन टू पार्ट्स में फाइल होती है, एक पिटीशन फर्स्ट मोशन के टाइम पे और दूसरी पिटीशन सेकंड मोशन के टाइम पे। इन दोनों मोशंस में 6 महीने का गैप होता है जिसे कि कूलिंग ऑफ पीरियड कहते हैं और इस कूलिंग ऑफ पीरियड के दौरान पार्टीज अपने डिसीजन के ऊपर फिर से सोच सकती हैं। केस फाइल होने के बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो दोनों पार्टीज की जॉइंट स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। कुछ केसेस के अंदर
जब जजेस को ये लगता है कि पार्टीज ने अपना निर्णय जल्दबाजी या हेस्ट में लिया है तो वो पार्टीज को काउंसिल करने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें मीडिएशन में भी भेज देते हैं और कई बार वो पार्टीज से अलग अलग तरीके के सवाल भी पूछते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं पार्टीज किसी तरीके से गुमराह तो नहीं हो रही या फिर उन पे किसी तरीके की कोई जोर जबरदस्ती या दबाव तो नहीं है। जज की संतुष्टि के बाद फर्स्ट मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाती है और पार्टीज को 6 महीने बाद की एक डेट दी जाती है जिस दिन पर उनकी सेकेंड मोशन की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है। आपकी सहायता के लिए इस पिटीशन का ड्राफ्ट हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है और आप वहां से उसका रेफरेंस ले सकते हैं। फर्स्ट मोशन के बाद सेकेंड मोशन की जो डेट दी जाती है वो 6 महीने के बाद की होती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स के बाद हम इस कूलिंग ऑफ पीरियड को वेव ऑफ करा सकते हैं। ये वेविंग ऑफ मोस्टली उन केसेस में अलाउ होती है जहाँ पे पार्टीज का सेपरेशन पीरियड 1.5 साल यानी कि 18 महीने से ज्यादा का होता है। कूलिंग ऑफ पीरियड वेव ऑफ होने के बाद पार्टीज का सेकेंड मोशन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सेकेंड मोशन के दौरान पार्टीज अपनी बची हुई टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करती है, जैसे कि अगर कोई सेटलमेंट अमाउंट की राशि देनी बकाया है तो वो दी जाती है, अगर कोई डाउरी आर्टिकल्स का एक्सचेंज या पर्सनल बिलोंगिंग्स का एक्सचेंज बचा है तो वो भी सेकेंड मोशन के दौरान किया जाता है। यहाँ ये नोट करना अनिवार्य है कि सेकेंड मोशन के बाद किसी भी पार्टी को एक दूसरे से किसी भी तरीके की कोई ग्रेवियांसेस नहीं रहती है। फर्स्ट मोशन की तरह ही सेकेंड मोशन की भी स्टेटमेंट कोर्ट में रिकॉर्ड की जाती है और जज के ये सेटिस्फाई होने के बाद कि दोनों में से किसी भी पार्टी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी दबाव, कोअर्शन या फिर फोर्स नहीं है, कोर्ट डिवोर्स की डिग्री ग्रांट कर देता है। म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स की डिग्री मिलने के बाद दोनों पार्टीज की हस्बैंड एंड वाइफ की ऑब्लिगेशंस खत्म हो जाती हैं और दोनों पार्टीज अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और दोबारा शादी करने के लिए फ्री हो जाती हैं। अब जब हम इस पूरे प्रोसेस को जान ही गए हैं तो आइए कुछ जरूरी पॉइंट्स पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात ये है कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स सिर्फ फैमिली कोर्ट से ही मिल सकता है, किसी भी नोटराइज एग्रीमेंट या फिर पंचायती फैसले से डिवोर्स नहीं होता है। जहाँ पर पार्टीज अब्रॉड रहती हैं और उनका कोर्ट में आके स्टेटमेंट देना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर वो स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू भी म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स करवा सकते हैं। स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सेटलमेंट करते वक्त ध्यान रखें कि आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पिटीशन के अंदर क्लियरली मेंशन हो। जो टर्म्स एंड कंडीशंस सेटलमेंट में मेंशनड नहीं है उनको हम इन्फोर्स नहीं करवा सकते। फर्स्ट मोशन के बाद जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है उसमें पार्टीज का साथ रहना जरूरी नहीं है। रीमैरिज पार्टी सिर्फ तभी कर सकती है जब उसे डिवोर्स की डिग्री मिल जाए। डिग्री पास होने से पहले की गई कोई भी शादी वॉइड मानी जाती है, यानी कि उसकी कानून की आंखों में कोई वैल्यू नहीं होती है। डिवोर्स से रिलेटेड किसी भी डाउट को आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करके क्लेरिफाई कर सकते हैं, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।